व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जहाँ से पिछला ब्लॉग एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं चाय और टोस्ट के साथ। ऐसा सीन आपने कभी देखा है? बारिश आ रही है और हम दोनों गाड़ी पे घूम रहे छाता लेके। वाह 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 वाह। ओ माय गॉड टू रूल। हां जाओ सब छोड़ के मेरे को। बाय बाय बाय। बाय मम्मी। नेक्स्ट टाइम हमने क्या कह लिया, चकली। एंड ये बहुत हमारा फेवरेट है, ये 5 रुपीज का आता है सिर्फ। क्या बोलती है इसको चाइनीज नूडल्स बोलते हैं। हमारे फेवरेट है हम चारों के, तो भी बाकी लोगों का नहीं पता। स्प्राइट थोड़ा स्नैक्स करते करते बारिश के मौसम में चलते। व्हाट अ वाइब, इट्स अ वाइब। अरे इतना अच्छा है क्लासिकल। देख पहले मैं डिप्रेशन से आज ही बाहर आई हूँ, काम कर करके ना मैं पागल हो गई थी, अभी और पागल। फिर से डिप्रेशन में जा तू अभी। मत कर ऐसा, मत कर। ये तो So, ये योगेश का स्कूल है बचपन से, मीन्स फर्स्ट से टेंथ यही था ना तू? 12th। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच डाउन एकदम। ये कौन से चौक में अपन अभी योगेश? SRP गेट पे है। तो मैं जाके आपको सभी से मिलाता हूँ। मास्क पहनना जरूरी है, आप चाहे कहीं पे भी जाओ, चाहे आपने वैक्सीन ली हो। नेक्स्ट डे तो सुबह सुबह उठाकर उदय, मुझे अभी एक यहाँ पे रिवर है। कौन सी रिवर है उदय? वो भीमा नदी कहते हैं उसे। वहाँ पे जा रहे हम सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। उदय बोलते हैं, हम वैसे भी पहले जाते रहते हैं बट मैंने कभी कैमरा पे नहीं दिखाया, तो आज आपको दिखाता हूँ मैं बाइक पे सुबह सुबह। मस्त वाइब है। बाय द वे गुड मॉर्निंग। हमारे घर का मंदिर है एक्चुअली। सोनू भैया और डैड ने इसको वो स्थापित किया था बचपन में, छोटा सा फोटो, उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे घर का मंदिर है वाडियंस का। ये हमारा वाडिया चौक है। दौंड के एकदम जो सिटी में से गुजरती है ये नदी, भीमा नदी के तट पर है हम यहाँ पे। और क्या क्या उदय? ये टेम्पल, एक शिव जी का टेम्पल है ना, महादेव मंदिर है। और जो बाढ़ वगैरह आई थी पिछले साल, उधर तक आई थी, वहां तक पानी जाता है एकदम ऊपर तक, मींस पूरा सिटी में भी घुसता है। पूना से पानी आता खड़कवासली से और उजनी डैम जो है ना, हाँ हाँ हाँ, उसको जाता पानी। ओ माय गॉड, ग्रेट। पूना का 8 TMC है और वो 108 TMC। बाप रे, बोले तो पूना से 100 गुना ज्यादा। पूना का जो पानी उधर ये उजनी में जाता, वो तो उजनी सबसे बड़ा डैम है महाराष्ट्र का, सबसे बड़ा। और वो ये सीन बहुत सही लग रहा है, ये देख सकते हो आप। भीमा माता जो ये माता है, भीमा नदी जिससे ये नदी का नाम जाना जाता है, एकदम सेंटर में, पूरे नदी के सेंटर में। वहाँ जा सकते हैं लोग, बोट से जाते हैं। और कितना प्योर पानी, कितना अच्छा लग रहा है। दौंड ये यूज करता है ना पानी पूरा? दौंड सिटी नहीं, अपने को इधर से आता, लेक से आता। ओके। सो काफी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ऐसे नेचर में आकर। पानी है वहां पे, पूरा ग्रीनरी है, सनराइज हो रहा है, वाव। और आपको आज पूरा दिन दौंड दिखाऊंगा, दौंड में क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको दौंड में दिखेगा। दिस इज पुना, दिस इज दौंड शिवाजी चौक। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमें तारावाड़िया चौक, जो कि मेरे दादाजी के पिताजी थे, हम यहाँ पे 5 पीढ़ी से रहते थे। तो ये चौक का नाम मेरे परदादा का नाम दे चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट होती है। हमारे नाम का भी कोई चौक है, आप देख सकते हो वाड़ी। स्टेशन पे दौंड जंक्शन कहते हैं इसे। ये मीन्स पूरे इंडिया का क्रॉस ओवर है, हर इंडिया की गाड़ी यहाँ से आना ही पड़ता है उसको आगे जाने के लिए। मीन्स इट्स अ जंक्शन। ओ माय गॉड, देखा तुमने? मीन्स काफी इधर नेचर, जो बर्ड्स वगैरह, काफी अच्छा लगता है। और पीछे आप देख सकते हो काफी ट्रेन रुके हुए हैं। यहाँ से साउथ में भी जाती है गाड़ी, यहाँ से नॉर्थ में भी जाती है,
और दौंड का मैं कहूँ क्या, ये दौंड फेमस है दौंड जंक्शन के लिए, और यहाँ के काफ़ी कारोबार जो है, मीन जो बिजनेसेस है वो दौंड जंक्शन से जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों के पेट पल रहे हैं दौंड जंक्शन के वजह से। मीन्स इट्स अ मेन बिजनेस ऑफ दौंड, काफ़ी अच्छा लगता है। मीन्स मैं बचपन में आया करता था जब पापा अप डाउन करते थे पूना से वगैरह, तो तब ट्रेन में आया करते थे हम, और वो पुरानी यादें ताज़ हो गई आज यहाँ पे आके। काफ़ी दिनों से ट्रेन में नहीं बैठे, और चलते आगे दिखाते आपको दौंड। तो ये आप जो मिश्रवाड़े को देखते हैं मेरे व्लॉग में, ये बचपन में, ये कितने क्लास तक है योगेश? 7 तक। डैड, सोनू भैया, ताई, मतलब मोस्टली जो भी घर के दौंड की, उदय तक, उदय भी यहाँ पे पढ़ा है। मीन्स ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है 7th क्लास तक की। एंड इट्स अ वाइब, कितना अच्छा लग रहा है जहाँ पे डैड आपके पढ़े और उन्होंने हमें आगे और अच्छा पढ़ा है। वेरी गुड, दैट्स अ फीलिंग। What is your name? Divyanka. What is your name? Shagalmaralia. क्या था ये? Shagalmaralia. I didn't ask your dad's name. What is your name? Sagar. Sagar is your dad's name. तेरा नाम? तेरा नाम क्या है? जोर से बोलना। Felicia. पूरा name. What is your full name? Felicia Shagalmaralia. वेरी गुड। कहाँ पे? लेक के पास है ये लोकेशन। अभी मैं देखो कहाँ पे खड़ा हूँ। वाओ, आराम से रुक मत के आती देख। पैरों पे आके लग रहे वो यार। दिस इज इनक्रेडिबल नेचर। वाओ, ये सब फिशेस है, वो जो एक्यूपंक्चर करते हैं या पूरा अपनी डेड स्किन खींच के निकालते हैं। तो मैं अभी मेरा पैर डालने जा रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। लेट्स सी। बाबा बहुत वो काट रहे यार उदय। तो दौंड में ऐसे नेचुरल हैबिटेट बहुत है। मीन्स काफी, मैं जो पुणे में बर्ड्स थे वो यहाँ देख पा रहा हूँ मैं। उदय ने उसके, हमारा जो घर है दौंड का, उसके पीछे जो गार्डन है हमारा, वहाँ पे उसने बर्ड हार्वेस्टिंग की है। मीन्स बर्ड्स के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, है ना उदय? रोज सुबह आते ना वहाँ पे? रोज सुबह। और मैंने पुणे में लगाने की कोशिश की, आपने देखा होगा व्लॉग में, वहाँ चिड़िया आते ही नहीं उसमें। मीन्स सिटी लाइफ और ये जो विलेज लाइफ है, मीन्स यहाँ पे कितना पीसफुल लग रहा है। पानी का आप आवाज सुन सकते हो बैकग्राउंड में, कितना पीसफुल। जो मेडिटेशन करने के लिए बैठो इधर तो बहुत अच्छे से होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, आप लोगों ने अभी देखा मैंने इतने पीसफुल मेडिटेशन, नेचर के बीच में बैठ के पानी, वाटर में, वाटर मेडिटेशन की, जिसमें मुझे नीचे से आके पैर को वो फिशेस ऐसे टच कर रहे थे, वो पूरा मेरी नेगेटिविटी खींच के ले रहे थे। इतना पीसफुल लग रहा था। उदय मेरे फोटोज वीडियोस लेते बैठा था मैं जब तक वो मेडिटेशन, 5 मिनट्स मेडिटेशन की। सो अभी चलते घर पर। यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस नेचर। आई ऑलवेज अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ दिस नेचर। मीन्स वी पीपल आर सो लकी दैट we are getting to experience all these flowers, trees, birds, air. This is awesome, man. This is awesome. I just love this. And whenever I visit places like this, मैं पहुर भी गया था। जैसे गांव, छोटे छोटे, बड़े बड़े लोकेशन, लोकेशन जो किसी ने डिस्कवर नहीं किया, मुझे वैसे लोकेशन आपके, आपको बताने हैं। मीन्स मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ कैसे लग रहा है, आप देख सकते हो। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मीन्स ये पूरे एरिया में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। और बाइक पे जो हवा लग रही है, बारिश वाला मौसम हो गया है, और जो मेडिटेशन मैंने किया, इतना पीसफुल लग रहा है मुझे। वाह, यहाँ से गाड़ी चढ़ नहीं रही थी तो मुझे उतरना पड़ा। बिकॉज आई गेस आई एम स्टिल ओवर वेट, बट आई एम नॉट, यू नो हाउ फिट आई एम। 2-3 पैक्स तो दिख ही रहे। अब वो कहाँ गए मुझे छोड़ के? ये ऐसे रहते भाई लोग। अभी हम दौंड के इजिप्ट में आए हैं, मतलब ग्रैंड कैनन में। वैसी थोड़ी सी वाइब है, इतने अच्छे लग रहे हैं ये स्टोन्स। ये भी थोड़ी सी टूरिस्ट लोकेशन बना सकते हैं अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे तो। इसमें सांप वगैरह रह सकते ना इसमें? थोड़ा डर भी लग रहा है, बट हम अनएक्सप्लोर्ड जगह है, प्लेसेस आपको बता रहे दौंड की। हो गया हमारा दौंड का मैन वर्सेस वाइल्ड।
दौंड के जंगलों में भटक कर हो गया हमारा भी। अभी चलते डायरेक्ट घर पे, बहुत भूख लग रही है, देखते क्या बनेगा। दौंड के फेमस पकोड़े, भजे, बड़ाड़ा भजे सब लेने। ये कहाँ पे आई भैया शॉप आपकी? ये सहकार चौक। सहकार चौक पिरामिड हॉस्पिटल के पास। पिरामिड हॉस्पिटल के पास। तो हम जब भी आते हैं दौंड, तो यहाँ से उन पकौड़े लेते हैं। अभी ले रहे हैं थोड़े बहुत घर में, सबको, सबके लिए। मजा आने वाला है बारिश के मौसम में कांदे भजे खाने। 6 hours later तो अभी 5 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं योगेश के जो फार्म है, डेयरी फार्म है वहाँ पे। वहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम है और हम निकले बाहर। मतलब पिछले 3 बार से हम जब भी मैं योगेश के साथ बाहर निकल रहा हूँ, बारिश को आने ही आने। तो अभी हम निकले, बारिश ऐसी तूफानी हो रही है। तो भाई पहले चाय पिला रहा आज, चाय पकौड़े खाते हैं, चाय पकौड़े खाएंगे। ये रोड पे मिलते अच्छे धाम, बहुत सही है। कोई नाश्ता हो गया, अभी चलते फार्म पे। गाइस नो हाउ मच आई लव शुगर केन, तो मैं तो खाऊंगा। खा सकते ना योगेश? अच्छा ढूंढता ना। थैंक्स। 8 बजे तक यही रुकना है, जब तक वो दूध नहीं निकाल लेते पूरा। और क्या क्या प्रोसेस है अभी? अमूल में डाल के आएंगे ना, तेरे को प्रोसेस बता। हाँ, अमूल जाएंगे हम, अमूल में दूध दे के आएंगे। कलेक्शन प्लांट है इधर छोटा सा। और हम पिछले आधे एक घंटे से ऐसे बैठे यहाँ पे बाहर, उसके योगेश के डेयरी के बाहर। और इतना अच्छा पीसफुल लग रहा है ना योगेश, लुक एट द स्काई। ऐसे बहुत मन को शांति मिल रही, इट्स लाइक अ मेडिटेशन, इट्स अमेजिंग। वाओ, सही लग रहा है। क्या भी है कि नहीं वो सब देखते हैं फिर उसके बाद। जस्ट हमारा डिस्कशन चल रहा था अबाउट कहाँ प्लान करना है। अभी हर जगह रेड अलर्ट है, तो हम थोड़ा संभल के जहाँ सेफ हो सकता है वहाँ ट्राई कर रहे हैं। बट हमको जहाँ जाना है वहाँ हम पूरी शिद्दत से ट्राई करने वाले। सो आकाश से वही बात चल रही थी, बट अभी 7 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। थोड़ा बहुत दिखा दिया मैंने दौंड वगैरह का। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग, वो भी दिखाता हूँ मैं अभी कैसे। मॉम डैड अब आज शाम को आने वाले, तो मैं और एक्सप्लोर करता हूँ कल किधर गए हम घूमने, या जैसे भी डे प्रोग्रेस होगा मैं आपको अगले व्लॉग में बताता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और जितना टाइम आप नेचर में बिता सकते हो पीसफुली, आप कभी भी नेचर में आके देखो, इतना पीसफुल लगता है ना। हम अभी इतने 1-2 घंटे से बैठे यहाँ पे, और जो भी हमारे जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी प्रॉब्लम थी लाइफ की, वो है ही नहीं, ऐसे लग रहा है ना। दो घंटे के लिए हम भूल चुके क्या कहाँ पे लाइफ है, क्या है। मीन्स माइंड को ये बहुत ज़रूरी है। ये आप भी ट्राई करो, कभी गार्डन में जाओ, सुबह मॉर्निंग वॉक को जाओ, जितना नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो प्लीज़ करो। और मेरे व्लॉग्स देखते रहो, क्योंकि उसमें आपको नेचर दिखेंगे बिकॉज आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दिस नेचर एंड दिस लाइफ, दिस यूनिवर्स, दिस स्टार्स, दिस क्लाउड्स एंड एवरीथिंग। सो टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत पकाया यार, इनके साथ रिया ना ऐसा चाहिए।